लोकसभा चुनाव के कुछ माह बाद ही अब विधानसभा के चुनाव जिले में संपन्न हो रहे हैं। इस चुनाव के लिए 18 करोड़ की राशि लगने की संभावना है। इसके बावजूद चुनाव विभाग को केवल 11 करोड़ दिए गए हैं। 7 करोड़ की राशि अब भी शेष है। इन दोनों चुनावों के लिए 36 करोड़ के खर्च का बजट जिला चुनाव विभाग ने चुनाव आयोग के पास भेजा था। प्रत्यक्ष में जिले को 25 करोड़ रुपए ही मिले है। 11 करोड़ की राशि केंद्र और राज्य चुनाव आयोग के पास लंबित है, इसलिए विधानसभा के चुनाव उधारी पर ही संपन्न कराने की नौबत प्रशासन के समक्ष आई है। विविध दलों के उम्मीदवारों की तरह चुनाव विभाग को भी आर्थिक कमी का सामना करना होगा। प्रजातंत्र का मुख्य तंत्र चुनाव पर ही निर्भर है। पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्र और राज्य चुनाव आयोग सभी हलचलों पर बारीक नजर रखता है। चुनाव के कार्य को गति मिले तथा इसके कार्य में सुलभता हो, मतदान की प्रक्रिया शांति से निपटे और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, इसलिए विविध उपाय चुनाव विभाग द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए बड़ा प्रशासनिक खर्च आता है। लोकसभा चुनाव के समय जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रति क्षेत्र 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आया। वही विधानसभा के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 2.70 करोड़ रुपए का खर्च लगता है। इसके अनुसार लोकसभा के लिए 18 करोड़ रुपए का बजट जिला चुनाव विभाग ने पेश किया था। प्रत्यक्ष में लोकसभा के लिए 14 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। अन्य 4 करोड़ की राशि अब भी चुनाव विभाग को नहीं मिली है। इसलिए चुनाव विभाग फिलहाल आर्थिक परेशानी में आ गया है। यह राशि शेष रहते विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। जिले में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 36 करोड़ की आवश्यकता होते हुए 25 करोड़ की राशि चुनाव विभाग में पहुंची है, इसलिए 11 करोड़ की राशि प्राप्त होने तक सभी काम उधारी पर ही करने पड़ रहे हैं। यह जानकारी चुनाव विभाग के उपजिलाधिकारी ने दी।